जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय पालेस्टीन। संसद रे जय पालेस्टीन स्लोगान बढ़ुची विवाद। ग्रहणीय नुहे ओवेसी एपरी स्लोगान। गणतंत्रर मजाक उड़ाइले ओवेसी। शपथ बेले अन्य देशर जय जयकार को कड़ा निंदा। बढ़ुची जय पालेस्टीन स्लोगान विवाद। 18तम लोकसभा शपथ ग्रहण मर्यादा को भांगी असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद सांसद तथा AIMIM मुख्य असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार लोकसभा शपथ नेबा बेले जय पालेस्टीन कहबा परे विवाद तीव्र होईची। भारत प्रति देश को सम्मान दिए किंतु शपथ ग्रहण समय निज देश बदल रे अन्य देशर जय जयकार करने अत्यंत निंदनीय बोली बीजेपी तरफ कड़ा प्रतिक्रिया मिली। तेबे ओवैसी स्लोगान असंवैधानिक नुहे बोली दावी करछंती। ओत लेते समय फलस्तीन जिंदाबाद बोल सकते हैं क्या नहीं, बात वहाँ है। अब भारत माता जिंदाबाद नहीं बोल सकते और दूसरे देश का जिंदाबाद बोल रहे हैं, उसमें प्रश्न है। प्रश्न वहाँ और उसके बाद विपक्ष मुंह बंद करके बैठे हुए थे कि इसमें कुछ बोले तो इसका इनके वोट बैंक राजनीति ना नुकसान हो जाए। क्या बोले हम? जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय पालेस्टीन। कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। जून 25 रे सांसद भाव रे शपथ ग्रहण करिबा परे जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय पालेस्टीन कहिथिले ओवैसी। तेरे शेष जय पालेस्टीन कहवाक नहीं संसद रे से समय तुरंत कौन सी प्रतिक्रिया आसी नथिबा बेले वर्तमान यहाकू नहीं विवाद तीव्र होईची। ओवैसींकर भारत संसद भितर पालेस्टाइन जयगान करने एक धर्तव्य अपराध बोली कड़ा समालोचना करिसंती अयोध्यार अनेक साधु सन्त। लोकतंत्र के मंदिर में वो जिस प्रकार से शपथ ग्रहण के बाद और फिलिस्तीन का जय जयकार लगा रहे हैं, वहीं बंदे मातरम और भारत माँ को दरकिनार करने वाले लोग फिलिस्तीन से इनका प्रेम जिस प्रकार से दरस रहा है और दिख रहा है, आज पूरे देश में दिखा है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब ये भारत में बहुत दिन तक रहने वाले नहीं हैं। यहाँ रहने वाला भारत का है, चुनाव जीता भारत में और नाम लिया वहाँ फिलिस्तीन का, उस देश का। ऐसे आदमी इन्हीं को देशद्रोही कहा जाता है। वो देशद्रोही है और इस देश से, हमारे देश से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसको तुरंत यहाँ से कानूनन कार्यवाही करके और देश निकाला किया जाए। जून 24 रे 18तम लोकसभा प्रथम अधिवेशन द्वितीय दिन रे शपथ ग्रहण करने समय ओवैसी शपथ शेष जय पालेस्टीन कहिथिले। जय पालेस्टीन पंचम थर पर सांसद भाव में शपथ नहीं। हैदराबाद सांसद ओवैसी 2024 लोकसभा निर्वाचन में हैदराबाद निर्वाचन मंडली बीजेपी प्रार्थी माधवी लता को परास्त करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट आगस्ट। सीमा तू प्लस 2 पर कौन करबू? बीएससी नर्सिंग। और तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कौन करबू? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। और तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़ीबू? मु तो बीपीटी पढ़ीबी। अच्छा मैं कोठी पढ़ीबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा और सभी को स्वास्थ्य सेवा जोगाई दबा। जदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तेबे हम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।